हेलो अनेरी, हाउ आर यू? वेलकम टू सास बहू और कोरोना। मुझे हाय, पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है। व्हाट हैपेंड? नथिंग. आई जस्ट गॉट सम वियर्ड डस्ट एलर्जी. मेरे को बहुत क्रेजी डस्ट एलर्जी होती है. सो मे बी आई वाज क्लीनिंग समथिंग इन द हाउस, तो आई स्टार्टेड स्नीजिंग अ लॉट सिंस लास्ट नाइट, बट आई एम मच बेटर नाउ. ऑफ कोर्स मेरी आवाज एकदम भारी भारी से आ रही होगी, बट या आई एम बेटर. यस, मैंने आपका इंट्रोडक्शन जो दिया उसमें ये बोला कि टीवी की सबसे टॉकेटिव, सबसे बबली, चैटरबॉक्स नंबर वन अनेरी। एंड अनेरी ऐसी हमें बहुत सारी बातें करनी है। मुझे आपकी लॉकडाउन स्टोरी सुननी है। हाउ इज लॉकडाउन गोइंग ऑन? लॉकडाउन इज गोइंग क्रेजी बिकॉज ऐसी चीज आई डोंट थिंक कि हम लोगों में से किसी ने या हमारे दादा दादी नाना नानी में से भी किसी ने एक्सपीरियंस की है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. बट आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि मैं जिंदा हूँ और मेरे परिवार वाले जिंदा है और मेरे फ्रेंड्स एंड एवरीबडी दैट आई नो ऑफ आर सेफ एंड साउंड. सो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी शायद घर पे ही रहते हैं ना आप लोगों के साथ? हाउ आर जी, दे? माय नानी एंड माय दादी दे स्टे विद मी, सो बोथ ऑफ देम आर हियर विद मी. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट दैट कुड हैपन टू द फैमिली बिकॉज़ वो लोग दोनों घर पर है, तो यू नो घर में हलचल बनी रहती है. आपके दादी और नानी अभी लॉकडाउन के बारे में क्या बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने नहीं अपनी लाइफ में ऐसा देखा, या कोई ऐसा उन्होंने इंसिडेंट शेयर किया आपके साथ कि ऐसा पहले कभी हुआ था जब घरों में लोग बंद हो गए थे? ऐसी कोई कहानी उन्होंने आपको सुनाई है? एक्चुअली मेरे और जो मेरी नानी और दादी का रिलेशनशिप है, वी डू नॉट टॉक अबाउट सीरियस स्टफ. तो अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो शायद उन्होंने मुझे इस वक्त बताना सही नहीं समझा होगा बिकॉज मेरा रिलेशनशिप दोनों के साथ बड़ा कूल सा है. सो दे वुड ऑलवेज यू नो वो लोग हमेशा कुछ कुछ वियर्ड सी बातें करेंगे मेरे साथ. समटाइम्स उनको बड़े से क्रैंकी सी हो जाते हैं बिकॉज एटलीस्ट हम ग्रोसरी तो लेने जाते हैं नीचे. उनका अगर नीचे जाने का मन भी हो, हम फिर भी उन्हें नीचे नहीं भेज सकते बिकॉज यू नो बच्चों के लिए और जो हमारे घर पर नानी नाना एल्डर्स दादी है उनके लिए तो बहुत ज्यादा रिस्की है ये चीज. दादी या नानी आर यूज्ड टू गोइंग एवरी डे नीचे मंदिर में, फिर राउंड मारने कहीं टहलने नीचे. तो अभी इट्स बीन 48 days or something that you know वो लोग घर पर ही है. सो यू नो दे आर फीलिंग केज्ड. अनेरी, आपका शो पवित्र भाग्य ऑनर हुआ, बहुत अच्छी रेटिंग्स भी आई, आप बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने प्रोमोज देखे, शो देखा, लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुई कि शूटिंग बंद हो रही है, जिस दिन ये आपको मैसेज आया या कॉल आया होगा, तब रिएक्शन कैसा था अनेरी का? सच बताऊं तो हमारा शो ऑन एयर गया 2 मार्च को. एंड क्योंकि ना हमारे हमने शूट करना शुरू किया और 10 दिन के अंदर हमारा लॉन्च था, तो हम सब ने बहुत 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 लाइक यू नो वी डन लाइक अ लॉट ऑफ डे नाइट्स एंड वी डन लाइक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो मैंने उस चीज को तभी इतना सीरियसली नहीं लिया बिकॉज मैं मेंटली इतनी थक चुकी थी कि मुझे वो 3 दिन की नींद चाहिए थी. सो आई रिमेम्बर लास्ट डे ऑफ शूट था और आई वॉज द लास्ट पर्सन शूटिंग एंड मुझे बस घर जाके सोना था. तो मैं इस चीज से बहुत खुश थी कि चलो कल यू नो आई जस्ट हैव 1 day 2 days ऑफ ऑफ और मैं अपना रिकवर कर लूंगी और आई बी हैप्पी. तो व्हेन आई गॉट टू नो कि लॉकडाउन होने वाला है और ऐसे होने वाला है, तो फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स आई वॉज वेरी हैप्पी. आई वॉज वेरी हैप्पी दैट ओ वाओ. बट 15-20 मिनट के बाद मुझे एक चीज हिट की कि लॉकडाउन होने वाला है और कब शुरू होगा ये सब, कब वील स्टार्ट लाइक अ नॉर्मल लाइफ एंड एवरी थिंग. और वो चीज तब तक हिट नहीं हुई जब तक कि 3, 4, 5 दिन हो गए. तब जाके रियलाइज हुआ दैट ओ शिट नो, दिस इज वेरी सीरियस एंड यू कॉन्ट टेक इट लाइटली एंड आई एम मिसिंग वर्क एंड यू शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ओके, अभी कैसा है आपका फ्रेम ऑफ माइंड इस समय? क्योंकि लॉकडाउन बढ़ चुका है, अब आगे क्या होगा पता नहीं। एक्चुअली यू नो व्हाट आई थिंक चारुल, मेरे को लग रहा है कि मैं यूज्ड टू हो गई हूँ इस चीज से क्योंकि मैंने मैंने मेंटली अपने आप को बोल दिया है कि जस्ट बी थैंकफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ.
शूटिंग शुरू हो रही है, अभी नहीं हो रही है, बाद में होगी, या एक महीने के बाद होगी, 2 महीने के बाद होगी, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड, जो भी कुछ हो रहा है जस्ट बी थैंकफुल टू हिम, बिकॉज इतने सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि वो कल खाना क्या खाएंगे, कल वो कहाँ जाएंगे, यू नो देर, वो लोग अपने होम टाउन से दूर, देर स्टक हियर, लाइक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर स्टक हियर, जो लोग दिल्ली जयपुर रहते हैं. So I am not cribbing. I have got used to it. I am not cribbing. I am just being very, very, very thankful to God every day कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ. Okay, अनेरी आप अपनी फिटनेस का ध्यान कैसे रखती हो? Because आप हो एकदम पतली. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ सुकड़ राम. तो ये जो पतली दुबली अनेरी है, ये वर्कआउट करने के बाद ऐसी है, ये लोग जानना चाहते हैं. मुझे सच्चाई पता है, but people want to know कि अनेरी वर्कआउट करने के बाद पतली है या स्पेशल केयर करने के बाद. और तो मैं बस आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जब मेरे दादा जिंदा थे तो माई दादाज वेस्ट इज टू बी 26, माई फादर्स वेस्ट इज स्टिल 26. सो अभी आप लोग जान सकते हो कि आई एम जस्ट बीइंग ब्लेस्ड विद गुड जीन्स. पर क्योंकि लॉकडाउन है और बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे थे, तो उनको देखकर मेरा भी मन किया कि मुझे भी वर्कआउट करना चाहिए या मुझे भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए. तो मैंने वर्कआउट शुरू ज़रूर किया. आई डू इट व्हेन आई फील लाइक इट. आई डोंट डू इट बिकॉज वो एक बहुत ही मेंटल, एक एवरी पर्सन गोज थ्रू अ मेंटल सिचुएशन ऑलमोस्ट एवरी डे, स्पेशली इन द लॉकडाउन, इज बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑन सोशल मीडिया. अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ घर पर, बट इफ़ आई सी लाइक people are doing like a lot of things in their life, you know, you get inspired, and then there are other people who get stressed. So main wo middle wali hu ki meko inspire bhi hota hai aur meko stress bhi aata hai ki yaar main kyun nahi kuch kar rahi, why am I so lazy. But kyunki lockdown badhta gaya, so I've realized ki ye jo cheez hai na wo aapke mental health ke sath khel jati hai. So it is absolutely okay to not be productive every day. Because right now your mental health is more important than your body. मैंने अभी कुशाल की फोटो देखी, वो पुरानी है जिसमें आप डोले शोले पे लटकी हुई हैं. तो ये आइडिया था किसका? ये आइडिया था आई थिंक कुशाल का ही आइडिया होगा, आई एम श्योर. और आई थिंक दिस वाज माय कुशाल फर्स्ट पिक्चर टुगेदर ऑन द सेट्स ऑफ बेहद. लॉकडाउन ने अनेरी की लाइफ को कितना बदल दिया है? मैंने अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, वक्त गुजारना और शुरू कर दिया है. आई स्टार्टेड कुकिंग. आई नो हाउ टू कुक नाउ. आई नो व्हाट इज बेसन का आटा एंड घी का आटा. सो या ये सब पहले नहीं पता था? नहीं. व्हाट आर यू सेइंग? बेसन आटा? No. I really did not know. So, जब मेरी मम्मी चीला बनाती थी बेसन का, तो I like चीला, but I don't like बेसन का चीला. So, I would not, मेरे को मालूम नहीं पड़ता था कि मैं उनको बताऊँ कैसे कि मेरे को ये वाले आटे का चीला नहीं पसंद. अब मैं उनको बोल सकती हूँ कि मेरे को बेसन का चीला नहीं पसंद. Okay. और आपकी मम्मा के काफी नुस्खे हैं, होम रेमेडीज जो आप फॉलो करती हैं, तो आप व्यूअर से कुछ शेयर करना चाहेंगी? बिकॉज़ हम लोगों की स्किन, हम लोगों के बाल, नो सैलून, नो पार्लर, वी हैव डिस्कवर्ड अ थिंग कि आपके अंडर आई के लिए ना, यू शुड पुट कॉफी, एलोवेरा जेल एंड हल्की सी हल्दी और लगाओ, तो पफिनेस गायब हो जाती है. रियली? कॉफी, एलोवेरा जेल एंड हल्दी? इतनी सी हल्दी, बहुत हल्दी मत लगाना, वरना पूरा येलो येलो हो जाएगा. Okay. और कितना पिंच? वन स्पून ऑफ कॉफी, वन एंड हाफ स्पून ऑफ कॉफी, वन स्पून ऑफ एलोवेरा जेल, और से वन थर्ड एक्चुअली, इतनी सी हल्दी, वेरी लिटिल, पिंच ऑफ हल्दी. एंड फॉर योर फेस? फॉर माय फेस, सो वी डिस्कवर्ड कि बहुत सारे लोगों को ना वो स्किन इवन नहीं होती, स्किन टोन इवन नहीं होता है, तो उसके लिए टमाटर के अंदर, लाइक टेक अ टमाटर, कट इन टू 2 पीसेस, और शक्कर लगा के उसको घिस दे, तो यू विल गेट लाइक इवन टोन. ओके, इट्स नेचुरल स्क्रब एंड इट्स इजी, सबके घर में होता है. एग्जैक्टली.
राइट, वेरी गुड। और बालों के लिए? बालों के लिए टेक अनियन, ग्राइंड इट, फिर उसका जूस निकालो, ग्राइंड करने के बाद जो पल्प होता है उसको निकालो, फिर उसमें एलोवेरा जेल ऐड करो, विटामिन ई की गोली ऐड करो, और एक और क्या चीज थी प्रिया, एंड सेसमे सीड्स। तो जैसे और एक्टर्स बहुत कुछ कर रहे हैं एंड यू सेड कि प्रेशर होता है कई बार, लेकिन आप फिर सोचते हो कि नहीं 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 ये जरूरी नहीं है रोज प्रोडक्टिव रहना, बट स्टिल अनेरी वो कौन कौन से काम एक्सप्लोर कर रही हैं या कर पा रही हैं जो आज से पहले नहीं किए थे? कुकिंग की बात हो गई, उसके अलावा? सी आई एम नॉट अ वेरी घरेलू पर्सन, मेरे को घर के काम करने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और ये बचपन से ही रहा है, बिकॉज मेरे मॉम डैड ने मेरे को बचपन से ही बहुत 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 पैम्पर किया है, पर अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो उन्होंने भी बोला है कि बेटा बस अभी कोई पैम्परिंग नहीं है, जो आम लोग कर रहे हैं तुम्हारे घर पे भाई बहन वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। सो कभी कभी मैं घिस देती हूँ बर्तन, कभी कभी मैं ड्रॉअर साफ कर लेती हूँ, कभी कभी मैं गैरेज साफ कर लेती हूँ, कभी कभी आई क्लीन माई ओन स्टफ, और दादी का जो कबर्ड होता है वो साफ कर लेती हूँ। ये सारी चीजें मैंने लाइफ में कभी नहीं की, तो हाँ ये सब करना पड़ रहा है। ओके, शॉपिंग करने कौन जाता है एसेंशियल्स के लिए अभी, आप में से कौन जाता है नीचे? तो हम क्या करते हैं, बिकॉज मॉम डैड मैं रोहन प्रिया पांच जन है, तो हम डिवाइड करते हैं कि इस हफ्ते रोहन और मैं जाएंगे, या इस एक हफ्ते मम्मी और रोहन जाएंगे, या एक हफ्ते मैं और प्रिया जाएंगे। हमें दो जनों को जाना पड़ता है बिकॉज वी आर 9 पीपल इन द फैमिली, तो हमारा राशन पाँच पाँच दिनों में ख़त्म हो जाता है, और जब भी अगर कोई अकेला जाएगा तो वो इतना सारा राशन अकेला नहीं लेकर आ पाएगा। सो हम दो जन जाते हैं और वी डिसाइड कि हु वांट्स टू गो आउट फॉर अ राउंड। अनेरी को क्या गुस्सा आता है ऐसे लोगों को देखकर जो ओबे नहीं कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो धज्जियां उड़ा रहे हैं लॉकडाउन की, जो फ्रंटियर जो वॉरियर हैं हमारे कोरोना फाइटर्स हैं उन सब को अब्यूज करते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, तो क्या वो देखकर गुस्सा आता है अनेरी को? गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कुछ लोग जो उन्हें करना है वो वही करेंगे, बट माय प्रॉब्लम इज कि ये वायरस जो है, ये कोरोना वायरस जो है वो ऐसा वाला वायरस नहीं है कि अगर आप करोगे तो वो मुझे भी अफेक्ट होगा। दैट इज माय प्रॉब्लम, दैट एटलीस्ट फॉर वंस डोंट जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने आप को छोड़कर थिंक अबाउट एवरीबडी एल्स ऑल्सो इन द वर्ल्ड, दैट्स वॉट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, राइट? पर कुछ लोगों की सोच ही ऐसी होगी कि वो उनको ऐसी दे विल नॉट थिंक सो मच। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यू नो हम लोग घर से लड़ रहे हैं, ऑफकोर्स हम लोग सब घर से लड़ रहे हैं, सो वी शुड कीप फाइटिंग बट फ्रॉम द हाउसेस। अब तो लॉकडाउन को मतलब कितने दिन हो गए, अगर उन्होंने अब नहीं समझाया तो शायद वो कभी नहीं समझे। करेक्ट, जो डॉक्टर्स हैं जो हम लोगों की सेवा कर रहे हैं रात दिन, नर्सेज हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, एसेंशियल से एसोसिएटेड जो लोग हैं जिन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है, हमारी तरह से लकी नहीं है जो, उनके लिए अनेरी क्या सोचती हैं? आई थिंक भगवान के साथ साथ हमें उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए रोज उठकर, बिकॉज दे आर एज गुड एज गॉड्स फॉर ऑल ऑफ अस, कि वो लोग अपना कीमती वक्त, अपनी कीमती जिंदगी, इवन ऑफकोर्स उनके पास भी बहुत सारे लोग हैं जो घर पर उनका वेट करते होंगे, पर वो सब कुछ छोड़ने के बावजूद दे आर देयर टू हेल्प यू। सो यू नो आई जस्ट फील सो थैंकफुल एंड सो गुड एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल दीज पीपल जो हमारे लिए अपनी जान पर खेलकर ये सब कुछ कर रहे हैं। लॉकडाउन कभी तो खुलेगा अनेरी, कभी तो वो दिन आएगा जब हम सबकी जो लाइफ है वो वापस ट्रैक पर आएगी, सबसे पहला काम उस दिन अनेरी क्या करेंगी? मैं डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करने वाली हूँ। आई एम फर्स्ट गोइंग टू टेक माय ओल्ड वुमन आउट ऑन अ ड्राइव। ओके, वो बताती इतने दिनों से घर पर है कि एंड दे आर नॉट यूज्ड टू इट, सो आई थिंक उनको बाहर लेके जाऊंगी और वी गो फॉर लाइक सम डिनर और लंच और अ ड्राइव, एंड या दैट्स गोइंग टू मेक देम सो हैप्पी, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। और अपने लिए क्या सोचा है अभी भी आप, यू आर सो गिविंग, अभी आपने नानी और दादी का सोचा है, अनेरी क्या करेंगे इसके अलावा? मैं
मैं शूट पे जाऊंगी, आई बीन डाइंग टू गो ऑन शूट. मैं शूट पे जाऊंगी, आई मीट माय फ्रेंड्स, आई मीट माय को-एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स आई मीट माय बेस्ट फ्रेंड्स. राइट, आप शूट पे जाएंगी, बिल्कुल हमें भी इंतजार रहेगा. आप शूटिंग स्टार्ट करो और हम वापस फॉलो करें, हमारी टीम आपके पीछे पीछे रहेगी. अनिल, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है ये शेयर करना आपसे, आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे जो रनिंग शोज थे वो बंद हो गए हैं, और बहुत सारे शोज ऐसे हैं शायद कम बैक ना कर पाए. सो इट्स लाइक यू नो इट्स सैड एंड इट्स लाइक एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक झटका है, एक्टर्स के लिए या सब पूरे क्रू के लिए, फ्रॉम डायरेक्टर प्रोड्यूसर टू एवरीवन जो जुड़ा है. I really don't know what to say. Maybe बस मेरे को यही लगता है कि हम सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं, तो maybe it was there in their destiny, you know. And जो भी shows बंद हो रहे of course I read about it, वो काफी चले हैं, you know. ऐसा नहीं हुआ है कि शुरू होते ही on air होते ही बंद हो गए. So अगर वो बंद हुआ है, so it's I know it's not okay. Of course, it's not okay. अगर मेरा कोई शो बंद हो जाता after 5 years also, I would have felt so bad. पर I just hope कि they all get work very soon. Okay, चलते चलते अनिल अपने फैन से क्या कहेंगी, इंडिया टीवी के व्यूअर्स से क्या कहेंगी? इंडिया टीवी के व्यूअर्स से मैं बस यही कहूँगी कि प्लीज आपकी जो जान है वो आप ही के हाथ में है. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो. अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, और जस्ट कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स लाइक एवरी डे, एवरी 15 मिनट्स. दैट्स व्हाट मी एंड माय फैमिली डू. और अच्छा अच्छा खाना खाइए. यस अनेरी, थैंक यू सो वेरी मच. चलते चलते आपका जो नाम है अनेरी, उसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो आप ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टाइल के साथ सबको खुश रखो आपके घर में, क्योंकि आप सबका मन लगा के रखती हो, आपकी नानी दादी, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके सिस्टर, एवरी वन अराउंड, एंड हम भी आपके साथ हैं. जल्दी मिलेंगे, राइट? और फिर बहुत सारी बातें करेंगे हम. ओके, चारू, टेक केयर. ओके, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे होम, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय.